हेलो एवरीवन, आई एम मानसी जैन. वेलकम टू माय चैनल. और मैं इस चैनल पे सीए फाइनल के इनकम टैक्स के लेक्चर्स, डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ. अब देखिए, मैं कहीं पे भी लेक्चर वन लेक्चर टू नहीं लिखूंगी, मगर आपको थंबनेल पे सीए फाइनल नज़र आ जाएगा, प्लस चैप्टर का नाम नज़र आ जाएगा. और एक और काम भी मैंने आपके लिए किया है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको पीछे के लेक्चर्स, आगे के लेक्चर्स मिल जाएंगे. तो वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्लेलिस्ट या चैनल, जो जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. अच्छा, मैं ये लेक्चर्स आपके मॉड्यूल को रेफरेंस लेके और इनकम टैक्स को रेफरेंस लेके बना रही हूँ. अच्छा, अब चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो है ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. देखो, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज को समझना. तो लॉ को भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए ना. अब लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए ओवर द ईयर कुछ रूल्स बनाए गए. ये रूल्स हम समझेंगे. ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? इंटरप्रेट करने के लिए, लॉ की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए. इससे हमको ये पता चलता है कि भाई, जब लॉ मेकर लॉ बना रहा था, तो उसका इंटेंशन क्या था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था. और ये रूल जो है समय के साथ साथ इवॉल्व होते रहते हैं, क्योंकि समझ बढ़ जाती है इंसान की ना. तो ये रूल स्टैटिक नहीं है. ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे इसका रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन. देखो, एक बहुत पुराना डॉक्ट्राइन है जो मैंने लिखा हुआ यहां पे है, जजेस डू नॉट लेजिस्लेट, दे ओनली इंटरप्रेट लॉ. देखो क्या होता है कि अगर ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कोई अगर ऐसा लॉ है जिसकी लैंग्वेज से क्लियरली पता चल रहा है कि वो लॉ क्या कह रहा है, तो आप जो लॉ कह रहा है ना, वही करो. उसमें कुछ एड सब्ट्रैक्ट मत करो, लिटरली उसको इंटरप्रेट करो. डू नॉट एड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग. अगर वो लॉ या प्रोविजन जो है वो अनएम्बिगुअस, यानी कि एम्बिगुअस यानी कि जो क्लियर ना हो, यानी कि वो प्रोविजन क्लियर है, बिल्कुल प्रोविजन पढ़ के ही समझ आ रहा है कि प्रोविजन बनाने का इंटेंशन क्या है, तो इसके ऊपर जो है रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन लगेगा. इसका मतलब ये है कि आप वही समझो जो लॉ कह रहा है, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ घटाव मत करो. अब इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं. सेक्शन 57 आपको बताता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको कौन से डिडक्शंस मिल सकते हैं. तो क्लॉज 3 जो है ना सेक्शन 57 का, वो ये बोलता है कि भाई, आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया जो कि कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, वो क्यों किया आपने? होली पूरी तरीके से इस इनकम को अर्न करने के लिए किया. अब आप लैंग्वेज समझो. कहते हैं एनी अदर एक्सपेंडिचर, यानी कि कोई भी और एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल नेचर का नहीं है, इट इज लेड आउट और एक्सपेंडेड होली और एक्सक्लूसिवली, यानी कि कंप्लीटली, वो कंप्लीटली उस इनकम को अर्न करने के लिए वो एक्सपेंस किया गया है, तो उस एक्सपेंस की डिडक्शन मिलेगी. अब ये कहां लिखा है यहां पे कि वो इनकम होनी जरूरी है? यहां लिखा है कि एक्सपेंस हुआ, इनकम अर्न हुई या नहीं हुई, ये कहीं नहीं लिखा है. तो इसको इसी तरीके से समझना है, यानी कि एक्सपेंस इनकर हुआ, इसी इनकम को कंप्लीटली अर्न करने के लिए, कंप्लीटली वो एक्सपेंस जो है वो इसीलिए कंप्लीटली इनकर हुआ ताकि इस इनकम को आप अर्न कर पाओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को. अब वो इनकम अर्न हुई ना या नहीं हुई, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. अगर वो एक्सपेंडिचर हुआ तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा. अब इसका ही एक केस है. देखिए, सीए फाइनल में केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केस को खास तौर पे ध्यान रखेंगे. केसेस मैंने आपके मॉड्यूल से लिए हैं, तो आपको करने हैं. द सुप्रीम कोर्ट इन सीआईटी वर्सेस राजेंद्र प्रसाद मूडी. अब इसमें ही ये जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई, 57 क्लॉज 3 का जो लैंग्वेज है, उसी से उसका कंक्लूजन निकल रहा है. लैंग्वेज साफ साफ बोल रही है कि भाई, इनकम अर्न हुई या नहीं हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर उस इनकम को अर्न करने के लिए ही आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको मिलेगी. अच्छा, अब तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई, अब असेसी ने पैसा उधार पे लिया. क्यों उधार पे लिया? कुछ शेयर्स में इंटरेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए. अब उस पैसे पे इंटरेस्ट पे किया, डिडक्शन हो गया. अब इन्वेस्ट किया शेयर्स में, है ना, मगर उसको डिविडेंड नहीं मिला. अब वो पैसा उधार तो कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट के लिए किया था ना, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उधार पे तो ले लिया ना आपने,
इंटरेस्ट जा रहा है ना, अब डिविडेंड मिला या नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो ये एक्सपेंस इंकर किया उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा 57 क्लॉज 3 में। तो ये था आपका रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक और बात मैं बता देती हूँ, कुछ लेक्चर्स आप देखेंगे उनके थंबनेल पे मैंने कुछ नहीं लिखा, बस चैप्टर का नाम और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैप्टर का नाम और टॉपिक का नाम लिखा होगा, इनकम टैक्स लेक्चर्स लिखा होगा, तो आपको ये लगेगा कि ये तो कॉमन ऐसी है इंटरमीडिएट से। कुछ लेक्चर्स हो सकता है आपको ऐसे मिले, क्योंकि जो सी ए इंटर का कोर्स है वो एज इट इज सीए फाइनल में है, उसमें कुछ एडिशनल है, जैसे ये पार्ट एडिशनल है। तो जो जो मैंने प्लेलिस्ट में लेक्चर्स डाले हैं वो आपको सारे करने हैं, वो कुछ भी छोड़ना नहीं है। सीए फाइनल में या किसी भी कोर्स में, सीए इंटर में या बीकॉम में, या मैं तो हर कोर्स में यही कहती हूँ, मगर अभी हम सीए फाइनल की बात करें तो आपको सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। जो जो लेक्चर्स मैं प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ वो तो आपको करने ही करने हैं। और आप चाहे तो मेरे से, अगर जैसे आप बहुत समय बाद पढ़ रहे हैं, आपका बेस क्लियर नहीं है सीए इंटर का, तो आप चाहे तो मेरे से सीए इंटर के लेक्चर्स ले सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेमो वीडियोस का लिंक, प्लस आपको वेबसाइट का नाम, प्लस आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो किसी भी लेक्चर में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। क्या बेनिफिट है भाई, अगर आपकी इनकम टोटल कितनी है, 5 लाख तक है, तो आपको जो उसका रिलीफ है वो मिलेगा 12,500 तक। इसका मतलब ये हुआ 10,000 का अगर आपका टैक्स बनता है तो वो माफ है, 12,500 तक का जितना भी टैक्स बनता है वो आपका माफ है।